हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पापा! I'm sorry, पापा! क्या हुआ? पापा क्या कर रहे हैं आप? गेस्ट यहाँ पे हैं, हमारी बातचीत तो हुई नहीं। तो फिर वो हमसे बात क्यों नहीं करते? पापा वो नहीं करेंगे, हमें उनसे बातचीत करनी है। अच्छा, हाँ। 2.5 किलो। क्या बात है बताना जो उनसे करनी है। बाबा इतने बड़े बड़े लोग आए, कीजिए ना कुछ बातचीत, कुछ बनाइए। क्या बात है। नमस्कार बच्चन साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। KBC तो मैं रोज देखता हूँ और दीवार मैंने कम से कम नहीं तो 50 बार देखी है। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? वो वाले बच्चन साहब नहीं है, ये अभिषेक बच्चन है। माफ कीजिएगा, मैं चश्मा लगाना भूल गया। अरे वाह, बात है अभिषेक बच्चन जी, वाह वाह। अरे वाह, यामी जी भी आए हैं, क्या बात है। निमृत जी भी आए हैं, क्या बात है। मैं आप तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी। और क्या कमाल का ट्रेलर है इनका, जोरदार तालियां हो जाएं। इतना बढ़िया ट्रेलर, अरे आप लोग तो इस ट्रेलर पे फिल्म भी बना सकते हैं। पापा बन चुकी है फिल्म। तो फिर हमें सिर्फ ट्रेलर क्यों दिखाया इन्होंने? ऐसे ही होता है पापा, पहले ट्रेलर आता है बाद में फिल्म आती है। अच्छा, इसका मतलब मैं ट्रेलर हूँ और तू फिल्म है। शर्म नहीं आती बाप के सामने? ओ करता है। नहीं बाबा आप समझिए, ये एक जेस्चर होता है। मैं खाली कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात समझ गया, इसलिए मैंने किया। ओ ओ ओ ओ बाबा बाबा, 3-3 बार नहीं, एक ही बार करना होता है। नहीं, 2-3 पुरानी बातें मुझे अब समझ में आई हैं, इसलिए ओ कर रहा हूँ मैं। क्या बात है बच्चन साहब। वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं? जी। ये वाली फिल्म पहले मैं करने वाला था, बस एक कॉल की वजह से नहीं कर पाया। कॉल की वजह से? कैसे पापा, किसी का कॉल ही नहीं आया तो कहां से करूंगा। तू बात को समझा के नहीं समझा? समझ गया पापा। हाँ तो ओ बोलना, ओ क्या तेरा बाप बोलेगा? अब ओ ओ ही करता रहेगा क्या? बेटा वो लोग आए हैं, उनको फिल्म की बधाई दे। आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आपको। उनको बधाई देनी है, उनकी फिल्म छीननी नहीं है। ये बोले जा रहा है, ये बड़े बड़े लोग आए हैं, प्यार से बोल उनको। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप लोगों को आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापा अभिषेक जी हमारे बहुत काम आ सकते हैं, आपको शायद पता नहीं लेकिन ये अपनी फिल्म में CM बने हैं। सेंटीमीटर चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर साहब, क्या बात है। सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारा एक गांव है। गांव कहाँ बाबा, हम तो शहर में रहते हैं। हमारे घर का नाम ही गांव है। नहीं बाबा, मेरा घर का नाम तो बिट्टू है। क्या, तेरे घर का नाम बिट्टू है? हाँ। मेरे तो कोई घर का नाम है ही नहीं, तभी मैं सोचूं मुझे अपने ही घर में कोई बुलाता क्यों नहीं। मैं तो नाम के बिना रह गया। ए बाबा, बाबा इस तरह मायूस नहीं होते पापा, अभी आपका नामकरण कर देते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, आओ रखते हैं यहाँ पर मेरे पापा का नाम। म से नाम रखना है, म से क्या रखें, मामा। आज से आपका नाम मामा। मामा।
अबे ओ, मेरा नाम मामा कैसे हो सकता है? मत भूलिए पापा, आपका मामा से ही नाम है। वरना कोई खास नाम है नहीं आपका। अबे ओ, ज्यादा ची ची मत कर, समझा? जब देखो ची ची चू चू करता रहता है। सीएम साहब, हमारी और भी कई तकलीफें हैं जी। हमारे गांव में इतने सारे लोग हैं, सबकी नौकरी लगी हुई है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है पापा? अरे सब लोग सुबह नौकरी पे निकल जाते हैं ना, तो बातचीत करने के लिए कोई होता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ कीजिए आप बाबा। हाँ, इतनी सी बात बाबा, मैं हूं ना। हाँ तो इसको नौकरी पे लगवा दीजिए, गांव में किसी आदमी को नौकरी छुड़वा दीजिए। मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नौकरी करना अच्छा ही नहीं लगता। नहीं। अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है। और पापा, आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे घुमाने ले जाएंगे, आप घुमाने ले जाइए। क्यों नहीं, मेरा बेटा हमेशा रोता रहता है, आपको पता है। कहता है कि मुझे हिमाचल की खूबसूरती देखनी है, मुझे ले के चलो। बेटा ये देख यामी जी को, ये है हिमाचल की खूबसूरती। यामी जी, जी मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मतलब मेरे पास तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अरे इतनी सी बात पापा, ये लीजिए मेरे पास शब्द हैं। ये लीजिए शब्द। वाह वाह, क्या काम किया था आपने। वो फिल्म आई थी उरी जी, वो मैंने पूरी देखी। हाल की फिल्म आपकी, उसमें जब विक्की पाकिस्तान चला गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा पाकिस्तान तो मैं भी गया था। हाँ तो तूने वहां जाके किया क्या? उनका नलका उखाड़ लिया। नलका उखाड़ देता है, कहीं भी चला जाता है वहां गड्डी छोड़ देता है। इसको लोहा दो ना तो पिघला कर उसका आकार भी बदल देता है। ऐसी सारी हरकतें करता है ये। थैंक यू बाबा। अबे थैंक यू नहीं, मैं तुझे डांट रहा हूँ। बाबा आप मुझे डांट रहे हैं तो मैं डट क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि तू एक नंबर का नालायक है। आजकल के बच्चे थोड़ा सा डांट दो तो बुरा मान जाते हैं। अभिषेक साहब, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो मेरी पहली लाइन क्या थी? आप बस स्टैंड पे सोए थे? नहीं, मैं तो घर पे सोया था। अरे पापा, आप जब पहली बार मुंबई आए थे तब आप बस स्टैंड पे सोए थे। तो जब मैं बस स्टैंड पे सोया था तो तू मुझे उठा के घर पे क्यों नहीं लेके गया? पापा तब मैं था ही नहीं। जब तू था ही नहीं तो तुझे कैसे पता कि मैं बस स्टैंड पे सोया था? पापा आपने ही मुझे बताया था कि जब मैं पहली बार मुंबई आया था मैं बस स्टैंड पे सोया था। तू कब बस स्टैंड पे सोया था? अरे मैं अपनी बात नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात क्यों कर रहा है? मैं अपनी बात खुद करूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।